वो काफी ज्यादा मुतासर हुआ है। उसके साथ के जो 6 से 7 घर हैं वो ज्यादा मुतासर हुए हैं। फायर ब्रिगेड का हमला यहाँ पहुंच चुका है जो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। हमारी एसएसपी मलीर से बात हुई तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि 8 जख्मियों को जिनमें बच्चे भी शामिल हैं उन्हें यहाँ जो है करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे भी बढ़ाया जा रहा है। इस पूरे इलाके को आप देख सकते हैं कि पुलिस और रेंजर्स की जानिब से कॉर्डन ऑफ किया गया है। लोगों की काफी बड़ी तादाद है। मैं अपने कैमरामैन दिशा निकाल दी कहूंगा कि इस वक्त आपको इस गली के मनाजिर भी दिखाएं कि ये वो मेन गली है जहाँ ये आपसे कुछ देर कबल हादसा पेश आया। उसके बाद यहाँ लोगों की काफी ज्यादा रश है, लोगों का गम गुस्सा भी पाया जाता है, लेकिन रेस्क्यू की गाड़ियाँ इतनी ज्यादा यहाँ मौजूद है, लोग इतने ज्यादा मौजूद है कि मजीद आगे ऑपरेशन बढ़ाने में मुश्किल का सामना है। हमारे साथ हमारे साथी रिपोर्टर भी मौजूद है, वो भी काफी देर से इस इलाके के अंदर मौजूद है। उनसे भी पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। राणा, आपने भी देखा है किस तरह की सिचुएशन है, आप आगे भी गए हैं, मजीद भी देखा है आपने, क्या कहेंगे? काफी सबसे ज्यादा मुश्किल तो यहाँ पर ये पेश आई कि जैसे ये प्यारा सामने ये इमारत नजर आ रही है इसके साथ वाली बिल्डिंग के पास गिरा हुआ है और यहाँ से टकराया है। सबसे ज्यादा मुश्किल पेश आई वो ये आई कि बहुत बड़ी तादाद में एक साथ बहुत सारी एम्बुलेंसेज एक साथ इस गली में एंटर हुई है, जिसके बाइस जो है वो जो जख्मी थे उनको मुंतकिल करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। अब भी ये सूरत हाल है कि एम्बुलेंस से स्ट्रेचर निकालकर जख्मियों को पैदल लेकर जा रहे हैं एम्बुलेंस तक और फिर उसके बाद एम्बुलेंस आगे जा रही है। दूसरा फायर ब्रिगेड को अंदर दाखिल होने परेशानी हुई, छोटी फायर ब्रिगेड तो यहाँ तक पहुँच पा रही है, लेकिन बड़ी फायर ब्रिगेड जो है उन्हें जो मेन एंट्री है जिला गार्डन की वहाँ रास्ता एंट्री छोड़ी है, वहाँ से गाड़ियाँ हटाई गई, उनको हटाया गया, सीढ़ी तोड़ी गई, उसके बाद एंटर हुई। और तीसरी बात कि फौरन